कोरबा में किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रदीप अहिरवार ने साथियों के साथ जल सत्याग्रह किया है। इस तरह का सत्याग्रह विदिशा जिले में पहली बार किया गया है। काफी संख्या में लोग और कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और प्रशासनिक लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि इसके बाद प्रदीप अहिरवार के द्वारा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को ज्ञापन पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, जिसमें मुख्य मांगे बेतवा नदी में रेत का उत्खनन बंद किया जाना चाहिए, साथ ही चौराहे पर जल्द से जल्द रोटरी निर्माण किया जाए जिससे आए दिन होने वाले एक्सीडेंट से बचा जा सके, अस्पताल में चिकित्सक व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी अंजलि शाह को अवगत कराया गया। उनके आश्वासन के बाद जल सत्याग्रह को समाप्त किया गया। धन्यवाद के पास रहे। अवैध उत्खनन को लेकर और निर्माण हो रहा है उसमें जो भूमि अधिग्रहण हुई थी उसमें कम मुआवजे की शिकायत की गई थी, उन्हीं सब के संबंध में हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, ये कैसे उनकी मांगे पूरी हुई? नेता कहते हैं सत्याग्रह जो हमारे किसान भाई हैं, एक कोटा बैराज डैम जो आपके सामने बन रहा है, यहाँ पर इनकी जमीन को अधिग्रहित किया गया लेकिन उचित मुआवजा हमारे किसान भाइयों को नहीं मिला है। प्रति बीघा हम लोगों की मांग है कि सरकार 5 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा दे, और अगर सरकार ये मुआवजा राशि नहीं देती तो हमने 17 तारीख को जनवरी में एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया था। हम जल सत्याग्रह उसी कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और सरकार अगर 5 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा नहीं देगी तो हम कलेक्टर का भी घेराव करेंगे, एसडीएम कोरबाई का तगड़े से घेराव करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक है और किसानों की लड़ाई में हर कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है।